हाथ की सफाई से नोट डबल। जी हाँ, सही सुना, पर यह सच नहीं है। ऐसा बोलकर लोगों को ठगने वाली एक गैंग को इंदौर पुलिस ने पकड़ा है। केमिकल टैप और छूट फूट सामान के जरिए हाथ की सफाई दिखाती थी बस। इसमें उन्हें सिर्फ 1.5 मिनट लगते थे और गैंग में कुल 3 लोग हैं, 2 बिहार की 1 इंदौर का। तीनों पुराने क्रिमिनल्स हैं। इंदौर के आलोक नगर का जोगेंद्र निगवाल उर्फ जीतो का नाम सॉफ्ट टारगेट ढूंढना था। जैसे ही कोई नोट डबल करने की लालच में आता तो वह बिहार के मूल निवासी शेख एहती श्याम जमीरुद्दीन और शेख मुन्ना कालू निवासी जिला कटिहार को बुला लेता। जोगेंद्र का नाम क्राइम करते समय ही इन दोनों से संपर्क हुआ। तीनों ने मिलकर गैंग बना ली और इंदौर लोकल का होने से शहर के सॉफ्ट टारगेट को तलाशने की जिम्मेदारी जोगेंद्र के पास थी। जोगेंद्र ने सबसे पहले एक प्रॉपर्टी व्यवसायी को झांसे में लिया, क्योंकि उसे पता था कि वह आसानी से झांसे में आ जाएगा और पैसे भी दे देगा। जोगेंद्र ने उससे कहा कि कुछ लोग बाहर से आए हैं जो महंगे केमिकल से नोट को डबल करते हैं। उसने ये भी बताया कि उनके ये नोट बैंक में भी आसानी से चलते हैं। उसे विश्वास दिलाया कि ये सच है। प्रॉपर्टी कारोबारी ने डेमो दिखाने के लिए कहा।